तो सो भाई लोग, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि भाई आप लोग मस्ती होंगे। तो सो भाई लोग, मैं आप लोगों को भाई सिखाऊंगा कि भाई फेस स्मूथ कैसे होता है, और वो भी हाई क्वालिटी में, और भाई टैटू कैसे लगा सकते हो, और भाई फेस गोरा कैसे कर सकते हो। हाँ, और भाई जिस भाई को नहीं सीखना ना एडिटिंग, वो भाई अभी वीडियो को छोड़ दो और चले जाओ, ठीक है ना। जिस भाई को नहीं सीखना वो वीडियो को मत देखो, और भाई जिस भाई को सीखना वो बिना स्किप किए देखे, क्योंकि भाई मैं आप लोगों को इतना आसान तरीका से बताया हूँ ना कि आज तक ऐसा कोई वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, ऐसा वीडियो आपको कहीं YouTube पे नहीं मिलेगा भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। एंड इतना मैं मेहनत किया हूँ इस वीडियो में, एंड आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया हूँ, इतना मत पूछो, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना भाई, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। एंड भाई वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, कहीं पे भी नहीं। तो सो मेरे भाई, यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना खतरनाक भाई एडिटिंग हुआ है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे टैटू देख सकते हो, और भाई यहाँ पे भाई कितना एकदम हाई क्वालिटी में, और स्किन देखो कितना वाइट है और कितना गोरा है। कितना भी आपका ब्लैक फोटो रहे ना भाई, कितना भी ब्लैक फोटो रहे ना, यहाँ पे देख सकते हो बिफोर का है हमारा फोटो। एंड भाई आप लोग एडिटिंग कर सकते हो, बस आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तुम्हारा भाई अभिषेक बतलाएगा एंड सिखलाएगा कि भाई एडिटिंग कैसे होता है। भाई ये वीडियो रियल है, ठीक है ना। मैं हर किसी की तरह मैं फेक नहीं बताता हूँ, जो भी बताता हूँ भाई वो रियल बताता हूँ आप सभी को। एंड भाई आप लोग देखना कि भाई मैं इतना रियल बताऊँगा ना कि भाई सेम टू सेम आप लोगों को एडिटिंग करके दिखाऊँगा। और यहाँ पर मैं अपने स्नैपचैट मोबाइल एप्लीकेशन में ये अपने पिक को सेंड कर दिया हूँ। और यहाँ पे एडिटिंग करने से पहले हम लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे ट्यून इमेज पे क्लिक करके आप लोग नीचे कुछ स्टेप से यहाँ पे स्लाइड कीजिएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एम्बुलेंस होगा, ठीक है ना। मैं भाई हर एक स्टेप बताता हूँ, ठीक है ना। एंड एम्बुलेंस को क्या कीजिएगा ना, हल्का सा इनक्रीज कर दीजिएगा, यहाँ पे 50 के आसपास आपको क्या करना, इनक्रीज कर देना। एंड इतना काम करने के बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ओके। चलो इतना काम तो हो गया, फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगेन टूल पे क्लिक कर देंगे। एंड टूल पे क्लिक करने के बाद भाई हम लोग सिलेक्टिव टूल को क्या करेंगे भाई, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसका काम क्या रहता है भाई, यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे भाई रेड भी है और वाइट भी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ब्लैक पार्ट भी है और रेड पार्ट भी है, ठीक है ना। तो भाई हमको रेड को क्या करना है, वाइट करना है, और ब्लैक को भी क्या करना है भाई, हमको वाइट करना है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। आपको बताया था नहीं भाई, सेलेक्टिव टूल है, इसको सेलेक्ट करना है। और जहाँ पे रेड है ना, वहाँ पे क्या कीजिएगा ना, सेचुरेशन को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो रेड भाई मिट गया, एंड यहाँ पे आपको ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना, ठीक है ना। ये रेड मिट गया एंड यहाँ पे वाइट भी हो गया भाई, देखो कितना अच्छा से हो गया। तो भाई आप लोग भी कुछ इसी टाइप से आप लोग अपना क्या कीजिएगा, टूल पे क्लिक करके सेलेक्टिव पे, और जहाँ काला लगता है ना आपको, वहाँ पे सेलेक्ट करके हल्का सा ब्राइटनेस को आप लोग इंक्रीज कर दीजिएगा, कुछ इसी टाइप से यहाँ पे मैं जैसे कर रहा हूँ। एंड भाई आप लोग भी कुछ इसी टाइप से यहाँ पे इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जहाँ पे रेड है वहाँ पे सैचुरेशन को हल्का सा माइनस कर दीजिएगा। एंड इतना काम करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मैं कितना जहर तरीका से यहाँ पे मैं अपने पिक को एडजस्ट करता हूँ। एडिटिंग करने से पहले भाई अपना पिक को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड भाई इस पिक को भाई हम लोग शेयर कर देंगे, आप लोग तो जानती हो भाई लाइटरूम एप्लीकेशन भाई कितना मतलब मदद करता है। अगर लाइटरूम एप्लीकेशन नहीं रहता तो भाई ऐसा एडिटिंग कभी नहीं हो पाता, क्योंकि भाई लाइटरूम ही एप्लीकेशन है जो भाई हमारे पिक को थोड़ा क्रिएटिव बनाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन को भाई ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप सभी के सामने में, यहाँ पे मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को भाई ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आप लोग समझिए, देखो ये हमारा भाई प्रीसेट है और ये हमारा ओरिजिनल पिक है, ठीक है ना। एंड बिफोर एंड यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पिक है, एंड यहाँ पे देखो ये प्रीसेट है, ठीक है ना। और भाई इस प्रीसेट का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। एंड भाई डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में जो होगा लिंक, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग बस टैप कर दीजिएगा लिंक पे, एंड वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इस प्रीसेट को, ठीक है ना। एंड डाउनलोड करने के बाद अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में क्या करना भाई, अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में अपने प्रीसेट को इंपोर्ट करना डाउनलोड करने के बाद, एंड थ्री डॉट पे क्लिक कर देना। एंड भाई आप लोग मुझे बताइएगा कि भाई डाउनलोड हुआ कि नहीं, मैं सबका रिप्लाई करूँगा, और कैसे होता है मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है ना।
और यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये कॉपी सेटिंग हो गया प्रीसेट का, ठीक है ना। एंड यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देंगे अपने वाला पिक पे। एंड वहाँ पे हम लोग कॉपी किए थे ना भाई, हम लोग यहाँ पे पेस्ट सेटिंग कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे अभी जादू देखना भाई, वन क्लिक में भाई यहाँ पे देख सकते हो कितना व्हाइट और कितना एकदम गोरा हो गया भाई, यहाँ पे देख सकते हो। इसलिए बोलता हूँ भाई लाइटरूम एप्लीकेशन अगर नहीं रहता तो एडिटिंग असंभव रहता। एंड यहाँ पे कलर पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा मतलब करेंगे, यहाँ पे मिक्स पे क्लिक करके यहाँ पे ये ग्रीन देख सकते हो, इसको हल्का सा माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये ब्लैक हो गया। एंड यहाँ पे स्किन कलर तो आप लोग देख ही लिए हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो इतना काम करने के बाद यहाँ पे देखो आपको ज़्यादा अगर स्किन ब्लैक मतलब आपको अति दिख रहा तो आप लोग यहाँ पे स्किन कलर को सिलेक्ट करके वहाँ मिक्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग कर सकते हो मैनेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पे रख लेता हूँ 43 के आसपास। एंड इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं सीधे भाई इस पिक को सेव कर लेते हैं अपनी गैलरी में, ठीक है ना। इस पिक को क्या करना है भाई, सेव करना है अपनी गैलरी में। एंड यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, एंड आप लोग भी कुछ इसी टाइप से अपने पिक को गैलरी में सेव कर लीजिएगा। एंड सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो भाई, अभी भाई अभी देखो अभी एडिटिंग भी नहीं हुआ, दो स्टेप में भाई देखो कितना एकदम खतरनाक हो गया, ठीक है ना। एंड यहाँ पे टैटू लगाना है और फेस स्मूथ करना है। एंड भाई आप लोगों को बहुत चीज़ सिखाना, हेयर एडिटिंग सिखाना, ऑयल पेंट कैसे करते हैं भाई, सब कुछ आप लोगों को सिखाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एंड भाई स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन करने के यहाँ पे मैं अभी बता दूंगा भाई कैसे मतलब पिक को इनपुट करता है स्केचबुक एप्लीकेशन में। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे फेस स्मूथ करेंगे। फेस स्मूथ करने से पहले यहाँ पे हेयर एडिटिंग भी करेंगे और भाई हम लोग टैटू भी लगाएंगे। टैटू आखिर कहाँ से लगाता हूँ मैं इतना अच्छा अच्छा, और आप लोग कहाँ से लगा सकते हो। तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग टैटू लगा कर आते हैं, फिर आप लोगों को फेस स्मूथ सिखलाते हैं। तो यहाँ पे पिक्सट एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे पिक्सट एप्लीकेशन में अपने पिक को इनपुट कर लेना। एंड यहाँ पे आपको स्टिकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। एंड सर्च पे आपको सर्च करना टैटू, यहाँ पे TOTTO, ठीक TATTO, ठीक है ना। टैटू आपको सर्च कर देना। एंड यहाँ पे ढेर सारा भाई जितना आपको मतलब जो आपको टैटू पसंद आए ना भाई, आप लोग टैटू पसंद अपने मन से ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं भाई कुछ इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हो मैं एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और भाई इतना कर्म करने के बाद, इतना काम करने के बाद यहाँ पे इसका ओपेसिटी हल्का सा कम कर देंगे ताकि भाई लगे रियल है। एंड इतना काम करने के बाद हम लोग फिर से एक ले लेते हैं जो हम लिए थे, अभी आप लोगों को दिखला देते हैं भाई, आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो भाई जल्दी से लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। एंड भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये देखो ये एक ये टैटू है, हम लोग कुछ इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और ओपासिटी को हल्का सा कम कर देंगे यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ओके। एंड इतना काम करने के बाद हम लोग अगेन स्टिकर पे क्लिक कर देंगे और एक ये भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ले लीजिएगा। एंड यहाँ पे हम लोग कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेट कर देंगे। एंड इतना काम करने के बाद भाई हम लोग क्या करते हैं ना, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पर ड्रॉ वाले टूल्स पर आप लोग क्या कीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आप लोग अपने पिक को भाई सेव कर लीजिएगा गैलरी में, यहाँ पे सेव हो जाएगा। एंड भाई आप लोग भी कर लीजिएगा कुछ इसी टाइप से। अब भाई हम यहाँ पे टैटू का काम हो गया, अब हम लोग हेयर का काम करते हैं, ठीक है ना। तो हेयर का काम करने के लिए यहाँ पे टूल बीज एप्लीकेशन को भाई मैं ओपन कर लूँगा। भाई सबका बस 2 से 3 मिनट का काम रहता है, ठीक है ना, 1 से 2 मिनट का काम रहता है। एंड यहाँ पे टूल बीज एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे सॉफ्ट पे क्लिक करके करने के बाद यहाँ पे सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड आपको भाई जितना रखना है आप लोग रख सकते हो। एंड भाई समझ में नहीं आया ना, यहाँ पे मास्क पे भी क्लिक कर देना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपको क्लीन पे क्लिक कर देना और बस अपने हेयर पे अप्लाई करना। और भाई यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो भाई आप लोग 10 सेकेंड या 20 सेकेंड पीछे करके देख लो, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा भाई। आप लोग 10 या 20 सेकेंड पीछे करके आप लोग देख सकते हो भाई, समझ में आ जाएगा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा तो। एंड इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, इस पिक को सेव कर लेते हैं अपनी गैलरी में। एंड अब हम लोग क्या करते हैं भाई, स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। और भाई अपने पिक को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे आप लोग थ्री डॉट पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करके यहाँ पे डिस्कर्ड करंट स्केच पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे डिस्कर्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है ना।
एंड यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करके अपने पिक को क्या करना भाई, इंपोर्ट कर लेना कुछ इस टाइप से। यहाँ पे मैं जैसे इंपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी क्या कीजिएगा, अच्छा से इंपोर्ट कर लीजिएगा। एंड भाई हम लोग क्या करते हैं ना, फेस स्मूथ करने से पहले भाई, नहीं फेस स्मूथ करने से भाई पहले एक काम कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये नहीं, फेस स्मूथ नहीं करना पहले, ठीक है ना। आप लोग इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना मेरी जान। इस पे क्लिक करने के बाद एंड यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये देखो ये बन गया है क्या लेयर। लेयर बनने के बाद यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग क्या करते हैं भाई, सॉफ्ट लाइट रख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो इस ब्लेंडिंग मोड का, ब्लेंडिंग मोड क्या करेंगे, लेयर का सॉफ्ट लाइट रख लेंगे। एंड नीचे में कुछ स्टेप्स यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड आपको ब्रश को सिलेक्ट करना, अरे भाई आपको कहाँ सेलेक्ट करना, जहाँ पे ज़्यादा वाइट रहे भाई, ठीक है ना। वहाँ पे जहाँ पे वाइट रहे ज़्यादा, वहाँ पे सेलेक्ट करके आपको छोड़ देना कुछ इसी टाइप से। एंड यहाँ पे ब्रश आप लोग देख सकते हो मैं कौन सा ब्रश यूज कर रहा हूँ। एंड भाई आप लोग भी कुछ इसी टाइप से इसी ब्रश को आप लोग यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहाँ पे समझ में नहीं आता आप लोग क्या कीजिएगा, हल्का सा पीछे कर लीजिएगा। एंड ब्रश आपको समझ में नहीं आता तो नहीं आता तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। एंड इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, बस अपने फेस पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो तो कितना खतरनाक तरीके से हमारा फेस वाइट हो रहा है। एंड भाई ये मैं क्यों करता हूँ, ठीक है ना, फेस स्मूथ करने में भाई कोई दिक्कत नहीं होता। देखो यहाँ पे इसे होता क्या, फेस स्मूथ करने में मतलब बहुत कोई कोई दिक्कत क्यों होता, कहीं पे काला रहता तो कहीं पे व्हाइट रहता, ठीक है ना। और इस ये करने से जो है ना, कहीं पे भी व्हाइट नहीं रहता, ये मैनेज हो जाता, एक रंग फेस हो जाता, ठीक है ना, एक कलर में फेस हो जाता, तब हमको भाई आपको स्मूथ करने में कोई दिक्कत नहीं होता, ना काला धब्बा का झमेला ना कुछ का झमेला, ठीक है ना। इसलिए मैं ये काम करता हूँ। एंड भाई आप लोगों को भी ये काम करना चाहिए। एंड इतना काम करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, इतना काम कर लेंगे ना, एंड इतना काम करने के बाद हम लोग इसी पर क्लिक करके यहाँ पर ओपेसिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको कम कर दीजिएगा यहाँ पे 27 के आसपास। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, अपने हिसाब से कम कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रश वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे। अब भाई हम लोग फेस स्मूथ करेंगे एकदम मस्त तरीका से, एकदम जहर तरीका से। यहाँ पे ये ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड भाई इसका सेटिंग यहाँ पे मैं आप लोगों को भाई दिखा देता हूँ। तो भाई आपको सेटिंग क्या रखना है, यहाँ पे देख सकते हो 4 एंड यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे साइज जो है ना, ये देखो ये साइज भाई घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। अपने फेस के हिसाब से भाई इसको बढ़ाओ घटाओ, जितना बड़ा फेस है उतना ब्रश रखो, ठीक है ना, ये अपने मन से रख सकते हो। एंड भाई आपको फेस स्मूथ करना, तो भाई आपको जूम करके अपने फेस को क्या करना, अच्छा से स्मूथ कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉलो को ऐड कर लेता हूँ, 7 कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 4 नहीं रखना, यहाँ पे मैं 7 कर लेता हूँ। अब करता हूँ भाई फेस स्मूथ। एंड भाई आप लोग बस अभी रुक जाओ भाई, 2 मिनट बस रुक जाओ, अभी मैं दिखलाता हूँ भाई कैसा कितना खतरनाक एडिटिंग मतलब स्मूथ होता है। तो भाई आपका मतलब जितना भी आपको जूम हो सकता है ना, अपने पिक को भाई जूम करके यहाँ पे देख सकते हो कितना खतरनाक तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। एंड भाई आप लोग भी कुछ इसी टाइप से अपना फेस को अच्छा से स्मूथ कीजिएगा एंड एकदम मस्त तरीका से कीजिएगा। यहाँ पे मैं जैसे कर रहा हूँ, एंड आप लोग भी कुछ इसी टाइप से यहाँ पे कर लीजिएगा एकदम खतरनाक तरीका से, ओके। एंड यहाँ पे आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई खतरनाक तरीका से यहाँ पे मैं स्मूथ करके आप लोगों को दिखलाता हूँ, ये ज़्यादा हो गया था, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप सभी के सामने में भाई कितना खतरनाक तरीका से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। आप लोग भाई जूम करके अपना फेस को अच्छा से स्मूथ क्या करो, एंड भाई आपका एकदम मस्त होगा। जितना मैं स्टेप बताया ना भाई, जितना भी मैं अभी स्टेप बताया हूँ आप लोगों को, ये आप लोग स्टेप फॉलो कीजिएगा जैसे मैं बताया हूँ बिना स्किप किए, तो भाई आपको फेस स्मूथ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। कहीं पे भी काला धब्बा और कहीं पे मोटापन मतलब नहीं आएगा। और भाई आप लोग जो है ना क्या करते हो ना, एक ही जगह ब्रश को चलाते रहते हो भाई, चलाते रहते हो, एक जगह ब्रश को नहीं चलाना, ओके। एंड यहाँ पे आपको अच्छा से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, एंड आप लोग एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे कर लीजिएगा। अरे ये जो है ना टैटू भाई फेस स्मूथ करने के बाद ही लगाइएगा आप लोग, मैं तो बता दिया ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि भाई फेस स्मूथ करने में दिक्कत हो जाता है। एंड एक लेयर बना लेना है, एंड यहाँ पे कलर को बस सेलेक्ट कर लेना है, एंड वही ब्रश लेंगे जो हम लोग क्या किए थे फेस को वाइट। एंड यहाँ पे हम लोग लिप पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एंड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग हल्का सा काम कर देंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे लिप भी रेड हो गया। एंड यहाँ पे आप लोग एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे अपने लिप को रेड कर सकते हो। और भाई समझ में नहीं आया ना, तो भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग दोबारा देखो इस वीडियो को, और जहाँ पे समझ में नहीं आता है वहाँ पे 10 या 20 सेकंड पीछे करके दोबारा देख लो क्या हो जाता है।
एंड आप लोग अब स्मूथ कीजिए। यहाँ पे देख सकते हो कितना खतरनाक तरीका से यहाँ पे नाक के आसपास आपको भाई धीरे धीरे करना, ठीक है ना। मुझे पता है कि भाई नाक के आसपास भाई सबको दिक्कत होता है, तो आप लोग धीरे धीरे कीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग जल्दी में मत कीजिएगा अपना फेस स्मूथ, मैं यही बोलूँगा, ठीक है ना। अगर जल्दी में करोगे तो भाई ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी का काम शैतान का काम होता है, तो आप लोग जल्दी में मत कीजिएगा। एकदम मस्त तरीका से यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एंड आप लोग भी कुछ इसी टाइप से आप लोग कर लीजिएगा। एंड फेस स्मूथ करने के बाद ना और भाई और सुंदर बनाना है फोटो, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, रिमनी एप्लीकेशन भाई बहुत कोई जानता है, इसको एक बार अप्लाई कर लीजिएगा। रिमनी एप्लीकेशन में ले जाकर इन्हेंस